तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज शुरू कर रहे हैं हम न्यू व्लॉग और पहुंच चुके हैं डेरे पे। और जी, कल वाला व्लॉग कोई इतना अच्छा नहीं था बना, क्योंकि इतना टाइम नहीं था और मैं भाग गया जल्दी। और जी, आपसे माजरत भी नहीं करोई। और जी, ये देखें जी, डेरे पहुंच चुका हूँ और ये हर तरफ हरियाली की लहर छा गई है। और जी, मैं इधर घूम रहा, फसल जो है बिल्कुल तैयार है और हम इस डेरे पर इस वक्त मौजूद है। दूसरे डेरे पर पहुँचते हैं, वहाँ पर वो जो कल कटाई का काम चल रहा था ना, दरख्त काटने का, वो मुकम्मल हो चुका है। और जो बंदे काम कर रहे थे वो मुझे लगता है अब जाने लगे हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या सिस्टम वगैरह चल रहा है। तो जी, वो आपको मैं दिखाता हूँ, भाग के जाते हैं। और जी, यहाँ पे ये देखिए, फसलें इस वक्त सारी तैयार हो गई हैं। और जी, कोई जो है ना इस वक्त ख़राबी नहीं है। और अगर ऐसी धूप लगती रही तो इस वक्त इस बार की फसल काफ़ी अच्छी होगी, नहीं तो पिछली बार ना बारिश आई थी जिसकी वजह से फसल सारी ऐसे लेट गई और ख़राब हो गई कटाई में। और जी, ये जो है ना ऊपर छट्टा बना होता है, अगर ये ज़मीन पे लेट जाए तो ये मिट्टी उठा लेता है जो कि बाद में आती है फसल में, तो इसको फिर सफाई की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे ही सही खड़ी रहे और जी बारिश वगैरह भी हो जाए, ये देखिए अभी बारिश की ज़रूरत है फसल को, एक एक बारिश की और 2-3 हफ्ते की धूप की ज़रूरत है, उसके बाद फसल ऐसे पक के तैयार हो जाएगी बिल्कुल कटाई के लिए। और जी, पता नहीं अब कल पहला रोज़ा होगा या परसों को होगा, अभी कोई पता नहीं है, लेकिन हम तो डेरे पे घूमते फिर रहे हैं। और जी, जाके देखते हैं क्या काम चल रहा है आज, वो भी देख लेते हैं। आज बंदे ज़्यादा लगे हुए हैं और जी उनका पता चल जाएगा अभी क्या काम करते फिर रहे हैं। वैसे तो वो सारा काम यानी कि हो चुका है, इधर वाली जो ये जो किकरे हैं वो काट दी हैं और थोड़ी सी रह गई हैं काटने वाली। और जी, मैं तो जा रहा हूँ ऐसे रैंडम, वहाँ पे देखेंगे, पता नहीं मैं वीडियो बनाऊँगा उनकी या नहीं। और जी, संडे का दिन है, वो बच्चे सामने पतंग उड़ाते फिर रहे हैं। और जी, कल जिस खेत को पानी लगा हुआ था ये वो है, और जी आगे वाले को लगा हुआ था, आधा आधा पानी खुश्क हो गया है। और जी, मैं डेरे से बाहर आ चुका हूँ क्योंकि उधर कटाई का काम चल रहा था, तो पास खड़ा होना सही नहीं है। और जी देखिए, इस तरफ ये जो खेत है इसको पानी लगाया हुआ है इधर। और जी, वो वही कुत्ता है जिसको हमने रेस्क्यू किया था जब वो मरने की हालत में था, तो अब तो काफ़ी इसकी अच्छी सेहत हो गई है। और जी, हम आगे जाते हैं। और जी, काफ़ी अच्छा मौसम चल रहा है, धूप निकली हुई है, हल्की सी धूप है, हल्की सी सर्दी है, ऐसे करके ना दरमियान वाला मौसम। ये मौसम सबसे ज़्यादा मज़े का होता है क्योंकि ना आपको सर्दी लग रही होती है ना गर्मी लग रही होती है, आप मज़े से घूम फिर सकते हो। ये देखिए जी, जैसे ही मौसम आया, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल नीचे ज़मीन पर निकले हैं, इस तरफ भी। हम आगे की तरफ जाती हैं, आगे वाली साइड में ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है तो उस तरफ हम जा नहीं सकते, तो हम इधर से ऊपर हो जाते हैं। और जी, ये वाला सीन देखें, ये वाला जो सीन है ना, ये मज़े करवा दे, साइडों पे घास हो और दरमियान में बंदा ऐसे चलता जा रहा हो और मज़ा आ जाते। एक बार हम सुबह सुबह 6 बजे ये इस तरफ से देखिए, बिल्कुल सीधी लाइन है और इधर को भी। और जी, ये सनू लगी हुई है इस तरफ, और जी हर तरफ पानी पानी लगाया हुआ है, किसी तरफ जाने का रास्ता ही नहीं है। हम वापस जाते हैं और डेरे पे देखते हैं, वो जो सामने बंदे लगे हैं वो कटाई का काम कर रहे हैं, वो तो अपना काम करते रहेंगे, तो हम अपना सैर के लिए निकल पड़ते हैं। और जी, इतना मज़े का तो कोई नहीं है आज सीन चल रहा, क्योंकि मैं अकेला, ये देखे बंगले बैठे हुए हैं क्योंकि हर तरफ पानी लगा हुआ है, ये पेड़ भर लेते हैं फिर बैठ जाते, फिर जब पेड़ खाली होता है तो फिर आ जाते हैं। और ये देखें जी, पानी चल रहा है इस वक्त काले में, ये नालियों का पानी है, कल साफ चल रहा था, कल मेरे से वीडियो नहीं बना, तो आज मैं आपको वो वाला खाली दिखाता हूँ जो हमारा सबसे फेवरेट खाला ना, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो भी वो सामने उधर जाते हैं, उस पर इतनी कोई हरियाली हुई है ना। जब मैंने बकरी रखी हुई थी, मैं इस खेत में चराता रहा हूँ बकरी पहले जब थी, लेकिन अब तो जो है ना नहीं है बकरी, बकरी बेच दी है हमने, लेकिन बकरा जो हमारा अभी पास ही है वो हम ईद जो बकरा ईद आएगी ना उससे महीना पहले लेंगे और फिर ला के उसको हम उसको व्लॉग में ऐड किया करेंगे, उसको रोज़ाना पट्ठे वगैरह घास वगैरह जो चीज़ वो खाएगा उसका डाला करेंगे। और जी ये देखिए, ये जो नीचे नाला है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट है, इस तरफ भी घास है उस तरफ भी घास है। और जी, मैं आपको एक देसी पुल भी दिखाता हूँ, ये भी खुद बनाया है हमने ही बनाया था, ये देखिए ये तो लकड़ियाँ नीचे लगी हुई हैं, इसके नीचे से पानी गुजर रहा है ऐसा ही। और जी, वो सामने बच्चे पतंग उड़ाते फिर रहे हैं और हम जी उस रोड पर जाते हैं, क्या सिस्टम। और वैसे तो जी ये भी खाला काम का ही है, यहाँ से चले जाते हैं सीधा सीधा।
और जी अब वो जो हमने रेस्क्यू किया था कुत्ता, वो जी अब हमारा टेम होना शुरू हो गया कि हमारे पीछे पीछे चलता है, लेकिन हम उसको ज़्यादा चलना नहीं किया, उसको रोक के रखते हैं या बांध देते हैं ताकि वो ज़्यादा चले ना और उसकी सेहत सही रहे, क्योंकि इसकी हालत इतनी कमज़ोरी है ना इस पे। और ये देखिए जी इस तरफ बच्चे जो है ना ये पतंग उड़ा रहे हैं, और ये खाला देखिए कितना मज़े का निकाला हुआ है, कैसे फ्लैट, और ये सामने जी बेरी और टाली लगी हुई है, उसके नीचे ये हम जहाँ पे जब बकरियाँ चराते थे तो इसके नीचे बैठते होते थे और मज़े लेते थे, लेकिन अब तो नहीं क्योंकि बकरियाँ नहीं रही, तो हम इस पुल के ज़रिए ना उस तरफ जाते हैं अपने डेरे की तरफ भाग के पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नया सीन चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर खड़े होना सही नहीं है, तो ये हम भाग के चलते हैं और देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या सीन चल रहा है। और जी हम भागते हैं, सीन में मैं आपको बताऊंगा, एक बंदा था हमारे गांव का ना जिसने कोई दो तीन बंदों को कत्ल कर दिया और एक की जो टांगों में गोलियां मार दी, तो वो इस टाइम फरार है यहाँ से, इधर इस टाइम जो रेत की खदान है ना इधर कहीं छुपा हुआ है वो, और उस तरफ जाने से हर कोई मना करता है क्योंकि वो खुद को सेव रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जी देखिए बंगले इधर बोल रहे हैं, इसलिए आगे का ब्लॉग नहीं चल रहा ना, हमें आगे जाना हो, ये हमारा डेरा तक है, हमारे डेरे की जो ज़मीन है यहाँ से वहाँ तक, सिर्फ वहाँ तक हमारा एरिया, आगे नहीं हम जा सकते। और जी हम दोबारा डेरे पे पहुँचते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन चल रहा है। और जी वो देखिए कैसा परिंदा बैठा हुआ है, वो कैसा है, उसकी चूंच देखी है, तो हम इस तरफ जाते हैं। और जी नेचर में काफ़ी तरह के परिंदे हैं जो जिनका अभी हमें नाम ही नहीं पता, हम देख के रहने होते हैं। अभी मैंने एक इतनी सी चिड़िया देखी, बिल्कुल छोटे साइज, और ये देखिए यहाँ पे कैसे हरियाली है, देखिए जो दरख्त है ना उन पे हरियाली आना शुरू हुई है, अभी जो मौसम होता है ना इसमें हर चीज़ हरी हो रही है, ये देखें अभी हरी हरी होनी शुरू हो गई है, वो देखें वहाँ फूल ही फूल हो गए हैं, ऐसा करके मौसम बहुत मज़े का होता है, हर चीज़ ग्रीनरी की तरफ जा रही होती है, हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। और जी वो टालियाँ थी जिनके पास हम अभी खड़े हुए थे। और जी मैं आपको एक और स्टोरी बताने लगा था कि ये जो खम्भा है ना सामने दिख रहा है आपको, ये इस तरह मुड़ के बैंड हुआ है, इसकी बैंड होने की वजह ये थी कि जनाब ये जो है ना मुड़ गया ऐसे, अंधेरी है ये, एक दफ़े काफ़ी तेज़, इसके ऊपर थी तारे और तारों का वजन भी था, तो ना इतनी तेज़ आंधी थी कि ये बैंड हो गया ऐसे घूमा, और ये देखे वहाँ से मुड़ा हुआ है ये दरमियान से, यहाँ से और ऊपर से इसकी, और अभी इसकी एक तार भी थी लेकिन वो भी काट के कोई ले गया है, हमारे गाँव में जो चोर वगैरह ना ये काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये काट के ले गए इसको भी। जी हम जाके अपने डेरे की सूरत हाल देख रहे हैं कि उनके उन्होंने लकड़ियाँ काटी या नहीं, मैं उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि हो सकता है कि उनका इतराज़ हो वीडियो में, तो हम उनकी वीडियो नहीं बना रहे, हम अपनी वीडियो में दूर दूर में आपको दिखा देता हूँ जाके, वो सामने लगे हुए हैं सारा, आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा तो कैसा था डेरा, लेकिन अब जो सारा कुछ उड़ा दिया है। और जी वो पता नहीं क्यों इतना तेज़ धुआं निकल रहा है, हमारे यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ भी अब बन चुकी हैं, ये जो हवा है हमारे गांव की इतनी साफ़ नहीं रह चुकी, इस साइड की हवा तो जो साफ़ है, हमारे घर वाली साइड पे जो हवाएं हैं ना उनमें स्मेल आती है केमिकल वगैरह की, यहाँ पे एक नई जी फैक्ट्री शुरू हुई है वो मुर्गियों की ना खुराक बनाते हैं, जिसकी स्मेल इतनी बुरी होती है कि वो काबिले बर्दाश्त नहीं होती। और ये देखिए मुर्गियाँ और सारे आगे आगे जा रहे चकोर वगैरह, तो जी हम इस तरफ से जाते हैं और डेरे पे आपको दिखाते हैं क्या सीन सून वगैरह चल रहा है। और जो भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे जो ईंटें पड़ी हुई हैं इनके ऊपर से दिखा देता हूँ, ये देखिए सारा कुछ कटाई शटाई चल रही है। और जी ये देखिए मैं इस लोहे की सीढ़ी के जरिए छत पे जा रहा हूँ और छत पे जाके आपको सारा सीन दिखाता हूँ। और जी मैं छत पे पहुँच चुका हूँ, ये मेरे पीछे देखिए क्या वादियाँ चल रही हैं, और ये देखिए इस तरफ सारी जो हरियाली है ये ग्रीनरी चल रही है, ये मौसम में हर चीज़ हरी भरी नज़र आती है। और ये देखिए मैं छत पे कितना ऊंची जगह पे खड़ा हूँ, इस तरफ ये देखिए सारा वो दूसरा डेरा नज़र आ रहा है हमारा, और ये दूसरा है, ये देखिए ये सारी जो अभी दरख्त हैं ये हरियाली की तरफ जा रहा है, इसको पानी लगा है, इसको भी वो साथ वाले की तकरीबन वो सारी फसलों को इस वक्त पानी की ज़रूरत है, पानी लगा दिया है, और वो सामने रेत की खदान दिख रही है। और जी मैं आपको यही दिखाना चाहता था, वो देखिए इस वक्त वहाँ भी जाना ख़तरे से खाली नहीं है जिसकी वजह, और ये देखिए इस तरफ सारी कटाई चल रही है दरख्तों की, कुछ आदमी लगे हुए हैं और उस तरफ जी उनको जड़ा में निकाल रहे हैं, और उधर
दरख्त का सारा काम तमाम कर दिया है। आस्ते आस्ते ये जिस छत पे मैं खड़ा हूँ ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जिसके ज़रिए वो खींचते हैं और दरख्त को बाहर निकाल देते हैं। अब हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।